हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रिसर्च इंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंडले सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। क्यों करते हैं का जवाब ये है कि जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, हमारा प्रोजेक्ट करते हैं या थीसिस करते हैं, तो उसके बाद जो वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद हमें एक रिसर्च आर्टिकल लिखना पड़ता है, उसे पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिकेशन करने के लिए तो उसकी रेफरेंसिंग जो मैनेज करनी पड़ती है वो हम इसी सॉफ्टवेयर से मैनेज करते हैं। तो मेंडले सॉफ्टवेयर जो है उसे हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, और वो बहुत ही इजीली आपके जो रिसर्च आर्टिकल है उसको सेट कर देता है, उसमें जो रेफरेंसेस हैं सेट कर देता है। क्योंकि अगर उसके बिना आप करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए। उसको एक एक चीज को, एक एक सेंटेंस को आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा कि इसका रेफरेंस यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर इसकी लाइन मैंने डाली है, ये आर्टिकल से मैंने ये पॉइंट उठाया था, तो ये पॉइंट का नंबर कौन सा होगा। ये सब चीज़ें मगजमारी करना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसका सॉल्यूशन एक ही है कि मेंडले सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। आपको आप देखेंगे इसका यूज़ इतना ईजी है कि आपको आपको बहुत आराम हो जाएगा। और ये फ्रीली अवेलेबल है साइट पे। आप इसको आप साइट पे जाइए, आपको ये फ्रीली मिल जाएगा mendeley.com पे। आप यहाँ से इसे क्लिक करके या यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर ये यह ऑप्शन दे देगा आपको विंडोज़ के लिए, और जैसे एप्पल के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं, लिनक्स के लिए यहाँ से डाउनलोड के लिए कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए पर आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने साइन इन करके आप इसमें अकाउंट क्रिएट कीजिए, फिर डाउनलोड कीजिए, वो आसानी से हो जाएगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ऐसा ही आपके पास आइकॉन आ जाएगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जब ये आइकॉन आ जाए तो आप इसे क्लिक कीजिए। मैं आपको अब सिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो ये एरिया है, यहाँ पर हम अपने जो रेफरेंसेस हैं या जो आर्टिकल्स हैं उसे इकट्ठा करते हैं। ये इकट्ठा करने के लिए एक लाइब्रेरी है, समझ लीजिए कि आप जो भी आर्टिकल्स आपके पास है तो आप यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे ही आप इकट्ठा करेंगे तो ये देख लीजिए कि आपको सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है आराम से, और आप आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम इसको सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले तो इसमें दो तरीके के टूल्स हैं, एक तो आपका एमएस वर्ड प्लगिंग्स है, कि इसमें दूसरे टूल्स ये हैं कि आप यहाँ से इंस्टॉल वेब इम्पोर्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप जैसे इसको करेंगे तो ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके उसमें डाउनलोड हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करके इसे भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज क्या है मैं आपको अब दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका यूज़ ये है कि आपको नेट से डायरेक्टली पेपर्स डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी को पूरी तरह से भर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं फ्यूचर में पेपर लिखने के लिए। और उसमें उसमें जैसे आप यहाँ से, इसके चार तरीके हैं कि कैसे आप इसको यहाँ पर लेके आए सारे आर्टिकल्स। इसके लिए क्या ऑप्शन है, आप पहले तो देखिए कि आपके पास अगर कोई आर्टिकल है तो उसे उठाइए और इधर लेके आइए और यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये ऑप्शन है आपके पास, ये एक इजी ऑप्शन है कि कोई भी पीडीएफ आप ट्रैक करके लाइए उसे इधर डाल दीजिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको, आप नेट पे जाइए, नेट पे जाके आपने कोई आर्टिकल डाउनलोड, जैसे आपने यहाँ पर लिखा, जैसे आपको वुंडेलिंग का कोई पेपर चाहिए, वुंडेलिंग स्टडी में आप चाहिए, और आप आपको कोई आर्टिकल डाउनलोड करना है तो यहाँ से जाइए, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपके पास आप देखेंगे कि आपके पास मेंडले का ऑप्शन आ गया, व्यू पीडीएफ क्लिक कीजिए, या आपके पास यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए और उसे क्लिक करेंगे तो
ये आपके जो ये जो सारे पीडीएफ है, यहाँ से ये पीडीएफ को डायरेक्टली ऐड कर लेगा मेंडले में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड पीडीएफ इफ अवेलेबल ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए, इसको करिए यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ से इसको इसको अनमार्क कीजिए और यहाँ पर ऐड कीजिए, तो ये ऑलरेडी आपके उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ यहाँ पर ऐसे मार्क करने के बाद यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर दीजिए इसको और ये ऑटोमेटिक इसको ले लेगा। इसमें ये आ गया, तुरंत ही इसमें ऐड कर लेता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर इसका एक्सपोर्ट साइटेशन RIS फाइल्स को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और उसे क्या कीजिए, आप अपने मेंडले में जाइए और यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करेंगे RIS फॉर्मेट में, आप जैसे ही डाउनलोड में आएंगे इसको यहाँ पर ओके करेंगे, ओपन करेंगे, वो यहाँ पर फिर से ऐड हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, वही पेपर्स आपको फिर से आ गया, तो ये ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, ये एक और है कि आप गूगल स्कॉलर में जाइए जहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर गूगल स्कॉलर डाल दिया, पहले गूगल स्कॉलर खोलते हैं। गूगल स्कॉलर में गए और आपको अभी कुछ आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं। आपने यहाँ पर कर लिए, तो यहाँ पर तो गूगल स्कॉलर में ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जो जितने पीडीएफ में रहते हैं वो आपको दिख जाते हैं। नहीं दिख रहे हैं तो आप जैसे आपको ये आर्टिकल चाहिए, इफेक्ट ऑफ हीलियम नियॉन एंड इंफ्रारेड लेजर रेडिएशन ऑन कंटेनिंग ट्रैवल्स, तो आप ये वाले दो कोमा वाले ऑप्शन में जाइए, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सारे टाइप के रेफरेंसेस यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको जो चाहना है। ये डायरेक्ट एक और ऑप्शन है कि यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करके भी वहाँ पर रेफरेंसेस डाल सकते हैं, रेफरेंस में। पर यहाँ पर आप सिंपली क्या कीजिए, रेफरेंस मैन में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर इस रेफरेंस का फिर RIS फाइल डाउनलोड होगा और उसे आप जाके फिर से मेंडले में इंपोर्ट कर लीजिए। फाइल में जाइए और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन और फिर यहाँ पर RIS फॉर्मेट में ले लीजिए, तो ये स्कॉलर का आपका फाइल फॉर्मेट मिल गया और आप यहाँ पर डालें, ये आराम से आपका ऐड हो ऑन द स्पॉट, ये हो गया इफेक्ट ऑफ हीलियम नियॉन इंफ्रारेड लेजर रेडिएशन ऑन बॉडी ट्रैप्स। ये एकदम इजी है कि कैसे, ये चार ऑप्शंस मैंने आपको बताए कि कैसे आप उसको कहीं से भी डाल सकते हैं कोई भी पेपर। यहाँ पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कौन सा जैसे आपने डाला है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजें ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है। चार ऑप्शन, चार तरीके हैं कि आप कैसे। दूसरी चीज ये है कि आपके पास जैसे आप एक ही साथ तीन चार पब्लिकेशंस पे काम कर रहे हैं और चार दो लिटरेचर एक साथ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में, क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर में जाके फोल्डर बनाइए, जैसे मैंने वुडन हीलिंग का बनाया है, और एक फोल्डर आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे डायबिटीज बना दिया हमने। अब ये सिंपल हो गया। अब आप लाइब्रेरी में फिर जाइए, माई लाइब्रेरी में ऑल डॉक्यूमेंट्स में फिर जाइए, और अगर आपने यहाँ पर फोल्डर बना दिया है, अब इसमें आपको डायबिटीज का जैसे आपको सेपरेट करना है, तो सिंपली यहाँ से उठाइए आर्टिकल जो आपको डायबिटीज का लग रहा है, उसे जैसे ये पीडीएफ है, मैंने ये पीडीएफ को उठाया और यहाँ पर ऐसे ये इसमें आ गया, एकदम ईजी है। तो इसी हिसाब से आप अपने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वुंड हीलिंग में मैंने ये दो आर्टिकल्स कर लिए। इस तरीके से आप आराम से अपने आर्टिकल्स को डाल सकते हैं, यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें दूसरे टूल
एमएस वर्ड प्लगइन का यूज इसलिए होता है कि जब आप कोई वर्ड फाइल में अपना जो आर्टिकल है आप वर्ड फाइल में ऑब्वियसली लिखें, तो जैसे हम वर्ड फाइल खोल लें उसका यूज क्या होता है वो देख लेते हैं। वर्ड फाइल खोलेंगे तो मेरा तो 2007 है, उसमें भी ये यूज होता है। तो इसमें रेफरेंसेस का एक टैब होगा, उसे आप क्लिक कीजिए तो वहां पर आपके लिए एक पूरा रेफरेंस का टैब यहाँ पर ये जनरेट करेगा। उसमें आपको इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन मेंडले, यहाँ पर लाइब्रेरी खोल सकती है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ये पूरा ऑप्शन मिलेगा और ये टैब के अंडर ये सारे ऑप्शंस होंगे। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, क्यों कैसे कैसे रिसर्च आर्टिकल में करते हैं, तो वो हम अभी देख लेते हैं। ये बहुत आसान है। जैसे अब हम हमारे पास ये पूरी हमारे पास लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी पे हमने ये क्लिक किया, पेपर, ये एक पेपर हमने क्लिक किया। अब इसमें टूल्स ये हैं कि अब सारे टूल्स भी देख लेते हैं कि कैसे इसे यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट रेक्टेंगल है, तो जैसे ये इमेज है आपको यहाँ से लेनी है तो इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, ये टूल्स के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी चीज को। सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ, इसे या आप इसको धीरे से मूव करने के लिए है, वाम ऑप्शन है, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं। नोट लिखना है जैसे यहाँ पर, तो आपने कुछ सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट ऑप्शन लिया या हाईलाइट किया, हाईलाइट करके आपने किया, और इस पे आपको कोई नोट लिख के रख देना है कि मैं अभी यहाँ पर ही लिखना है कि मुझे जैसे कि ये रेफरेंस मुझे यूज करना है। तो आप इस ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिख के रख सकते हैं जिससे इसका यूज कर सकते हैं, इसके अंदर नोट ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जूम इन करना है तो इसको जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम फिट साइड में इसको सारी तरह से सेट कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, इसे स्केप कीजिए बाहर आ जाएगा। सारे ऑप्शन आपने यहाँ पर देख लिया। अभी कुछ ऑप्शंस मैं आपको और सिखाऊंगा। तो ये ऑप्शन है। अब जैसे कि अब मैं आपको वर्ड फाइल में बता रहा था कि क्या करना है। वर्ड फाइल में आपने वर्ड फाइल खोल लिया है, अब आपने एक पेपर लिया है, एक आर्टिकल आपने ले लिया है। इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या करते हैं। इसमें हमने जैसे यहां से एक सेंटेंस ले लिया सिलेक्ट करके, हम यहां से एक टूल हाइलाइटर लेते हैं और यहां से इसको लेके यहां तक से हमने यहां क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब हम अपने वर्ड फाइल में जाएंगे और इधर पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट कर लिया तो हमने ये एक फाइल ले ली। अभी इसे हमें सेट करना है। अब इसे हम सेट करेंगे। अब आप आपको लगता है कि आपने ये कॉपी यहाँ से ले लिया है और ये आपने किस आर्टिकल से लिया है आपने अभी ये देख लिया। हमने इसे लाइब्रेरी में जाएंगे अगर, तो हम लाइब्रेरी जाएंगे तो इस आर्टिकल से हमने इसको लिया है और इसको अब हमें रेफरेंस कोड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। रेफरेंसेस यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन कीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे वैसे आपको वहां पर लिखना रहेगा, मेंडले में से आपको यहाँ पर याद करके लिखना पड़ेगा कि हमारा जो मेंडले में था रेफरेंस कौन सा था, वालीजादे। अभी ये वालीजादे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हमें वही चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि वालीजादे यहाँ पर पैक करके ये वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे और आपका ये आ गया। अब आप इसे ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ गया।
मैंने यहाँ पर इसको वैंकूवर का स्टाइल, नेचर का स्टाइल रखा है, तो इसलिए नेचर आ रहा है। अब इसे मैं वैंकूवर के स्टाइल में करूँगा तो वैंकूवर आ जाएगा, और दूसरे स्टाइल में रखूँगा तो जैसे शिकागो मैनुअल में डाल दिया तो उस हिसाब से ये वालिजा दे एट ऑल आ गया। अब इस रेफरेंस को आपने सेट कर दिया। अब आपने दूसरा यहाँ पर रोल लिख दिया, इसी तरीके से हमने दूसरा एक कॉपी कर लिया पीडीएफ से। यहाँ से गए वो देखते हैं, शुक्ला एट ऑल में से हमने कुछ पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ तक का पार्ट हमने सिलेक्ट किया है और इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करके जब यहाँ पर हमने इसको डाला तो इसे भी अब सेट करना पड़ता है। अब इसका भी रेफरेंस आपको डालना है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर साइटेशन में जाइए, रेफरेंसेस में जाके साइटेशन इंसर्ट साइटेशन में डालेंगे और यहाँ पर हमें उसी नाम से ये डालना है। ऐसे ही डालेंगे, ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, वो ऑप्शन में शुक्ला एट ऑल 2012 आ गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरा रेफरेंसिंग लिख सकते हैं। अब इसी में आपको डबल रेफरेंसिंग करना है, इसी चीज को आपने दो तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, इसी में जाके फिर से इंसर्ट साइटेशन करना है और यहाँ पर ये वाला दबा के, अब जैसे शुक्ला, अब लेकिन आपको ये लेना है कि एमपी सिंह को लेना है, तो यहाँ पर आप ये क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर जाइए पहले सिलेक्ट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ओके कर दीजिए, ये दोनों साथ में ज्वाइंट आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइंट ज्वाइन हो गया। तो इस तरीके से आप डबल रेफरेंसिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग उसे, जैसे ही ये सारा पेपर आपका पूरा होगा, आप रेफरेंस लिख दीजिए और उसके नीचे आप यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट बिब्लियोग्राफिक पर क्लिक कीजिए, सारे रेफरेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे जितने यहाँ पर यूज किए हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम पूरा अपना आर्टिकल लिख सकते हैं ये वर्ड प्लगिंग का यूज करके। अब दूसरी चीज ये है कि पहले तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि कैसे आर्टिकल लिखते हैं। आपका रेफरेंस है, आपने पूरा आर्टिकल बनाया, पूरी तरह से सेट किया। अब आपका जो फॉर्मेट है, इसमें अगर आपने एक आर्टिकल में डाला, एक पब्लिकेशंस में डाला और उसमें रेफरेंसेस आपके, जैसे आपने लिया है तो शिकागो मैनुअल है, आपको अब आपका रेफरेंसेस आप नहीं इंटरेस्टेड है उस जर्नल में डालने से, तो आप एक क्लिक पे सारा चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपने सोचा कि नेचर में डालना है तो नेचर के हिसाब से कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक तुरंत छिंच जाएगा, वन क्लिक पे ये चेंज हो जाता है। तो ये एकदम इजी स्टाइल है रेफरेंसिंग की और इतना आसान है कि आपको इसमें मेंडली में काम करने में मजा आ जाएगा। तो हमने सारी चीजें यहाँ पर देख ली हैं, ये इसमें बहुत इजी ऑप्शन है। आप यहाँ पर 2 GB तक अपने आर्टिकल्स डाल सकते हैं, वो बहुत होता है 2 GB, करीब करीब 1000-2000 आर्टिकल्स आराम से इसमें रख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आप 10,000 स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। स्टाइल जो है, स्टाइल का चेंज ऑप्शंस रहता है, लाइब्रेरी साइटेशन यहाँ पर है ऑप्शन, आप जर्नल की स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अभी वो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर जाइए गेट मोर स्टाइल्स और यहाँ पर से आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए वो स्टाइल, जो स्टाइल आपको चाहिए, आपको वो स्टाइल यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगी और आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमें मेंडले सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है उसका डिस्क्रिप्शन, और बहुत आसान है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। और देखते रहिए मेरे चैनल को और
बताइए कि आपको क्या जानना है, क्या समझना है, जो प्री क्लिनिकल स्टडी से रिलेटेड है या आर्टिकल लिखने से रिलेटेड है, तो मैं आपको सारी बातें बताता रहूँगा। जो शॉर्ट चीज़ें हैं जो आराम से आप सीख सकते हैं उसे मैं बताता रहूँगा।